दोनों उतार दिए। हैकर। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आ चुके अपने कौन न्यू वीडियो के साथ वापस। और आप लोगों को पता है यार, आज है रैंक पुश का चौथा दिन, तो मतलब फुल बूम बार वाली रैंक पुश चल रही है। तो हम लोग सबसे पहले इधर उतरते हैं मतलब रोजो के पास वाले घर में, क्योंकि हमारे को चाहिए था एक गाड़ी, और गाड़ी से जाएंगे हम लोग सीधा सर्वाइवल मतलब के रिकॉर्ड लेने के लिए पहले, उसके बाद थोड़े से किल विल लेंगे। अब यहाँ पे भाई इस मैच में ना एक हैकर आया हुआ था, तो आप लोग बताना हैकर वैकर था कि नहीं। उससे पहले मेरे टीममेट ने यहाँ पे दो बंदों का कितना गंदा माइनस लगा दिया, वो भी कट्टे से भाई साहब। तो देखो अब ये बंदों के लिए तो मुझे इतना बुरा लग रहा ना भाई, हद से ज्यादा बुरा लग रहा है कि भाई ऐसा नहीं करते। अब यहाँ पे तीसरा बंदे का भी माइनस लग जाता, लेकिन वो बंदा क्या करता, पानी के अंदर उतर जाता। अगर वो पानी के अलावा कहीं दूसरी जगह उतरता ना भाई, बंदे का सही बता रहा हूँ खत्म था भाई, इसका भी करियर खत्म था, इसका भी माइनस होने वाला था। उसके बाद हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, सीधा हम लोग गाड़ी लेके इस साइड में आ जाते हैं। और मैं क्या सीधा गाड़ी घुसेड़ देता हूँ, मुझे लगा यार सबसे पहले हम लोग आए होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे पहले से दो बंदे पहले से आ चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिसकी सजा मेरे को मिलती ही मिलती है इस गेम में। सबसे पहले यहाँ पे एक बंदा आता क्लोज इन कर देता है, और यहाँ पे भाई बहुत गलत तरीके से मारा हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक नेड होता है जो मैं नेड कुक करता हूँ, और यहाँ पे नेड एकदम सही था, लेकिन उससे पहले उसने मोली डाल दिया था और नेड इधर ही टकरा गया था। अब वो बंदा बच जाता, लेकिन उसका दूसरा टीममेट राइट से आता है जिससे मैं 1v1 निकाल लेता हूँ। अब इस बंदे को एकदम सॉलिड एकदम 1v1 दिया था और इसको फिनिश कर दिया था, यहाँ तक एकदम सही चल रहा था, तभी उस बंदे ने मोली कर दिया। अब यहाँ पे मोली करने के बाद ना मैं भाई यहाँ पे नोक हो गया, क्योंकि अगर मैं हिलता नहीं ना तो मोली लगती नहीं। अभी आगे की तरफ मेरे नेट पड़ा हुआ तो देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं बचने की पूरी चांस करता हूँ, मेरा टीममेट भी फुल बचाने की ट्राई करता है, लेकिन ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। ठीक है, अब इस मैच में ना मतलब कि एक बंदा हैकर था, वो भी बहुत खतरनाक वाला, जो आप लोग को मैं दिखा दूंगा आगे गेम प्ले में। अब यहाँ पे तो देखो मेरा 100% पता था मेरे को, मेरा क्रियाक्रम हो गया। ठीक है, अब ये बंदा इस साइड से आता है, मेरा टीममेट अच्छा खासा उसको डैमेज देने की ट्राई करता है। अब उस बंदे के पास होते हैं S12K भाई, S12K से भाई सबकी फटती है भाई, S12K अगर एक पड़ गया ना भाई एकदम खत्म है भाई, करियर डेड है। अब यहाँ पे मेरा टीममेट फाइट लेता है उससे, मैं थोड़ा सा डैमेज वेमेज मैं क्या डैमेज करूँगा, मैं तो पहले से नोक पड़ा हूँ। अब यहाँ पे देखो एक टाइम होता है कि भाई रिवाइव करता मेरा टीममेट, और यहाँ पे लिटरली मैं रिवाइव हो गया था। अब यहाँ पे अगर रिवाइव नहीं छूटता ना तो भाई इजीली रिवाइव होता मैं, जब तक वो बंदा पुश करता और मेरे को यहाँ पे खत्म कर देता है। अब यहाँ पे अगर पहला वाला रिवाइव नहीं छूटता ना तो मैं आराम से इजीली रिवाइव हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मैं फिनिश तो हो गया था, तो रिकॉल विकॉल होने के बाद मैं आराम से सोचता हूँ चलो भाई अब सर्वाइवल लेंगे, चुपचाप से थोड़ी सी लूट लूट करेंगे। तब यहाँ पे गाड़ी आ जाती है एक दो बंदों की, हमारे ऊपर पुश कर देते हैं। अब मेरे टीममेट का आप लोग को पता है प्रिंस भाई का जो ग्रेनेड होता है ना भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल वाला ग्रेनेड होता है, तो पहले वाला ग्रेनेड जाता है और वो बंदा हो जाता है बूम। अब मैं इधर से पुश करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन उस बंदे ने मोली कर दिया था यहाँ पे, और दूसरा बंदा शेक के अंदर था तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। यहाँ पे एक ग्रेनेड मिस हो गया, लेकिन दूसरा वाला ग्रेनेड, जब तक मैं इधर से जाता हूँ और ये हो जाए भैया, कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। अभी बंदा हो गया बूम भाई, दोनों को क्या ही ग्रेनेड से 1v2 कर दिया भाई, गोली चलाने का मौका ही नहीं दिया इन दोनों को। अब इनको मारने मारने के बाद हम लोग गाड़ी लेते हैं, सीधा जोन के लिए रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये शेक था जोन में, तो हमने देखा चलो भाई शेक पकड़ लेते हैं, दोनों भाई मिलके आराम से थोड़ी देर सर्वाइवल लेंगे। अब यहाँ पे देखो शेक पकड़ रखे थे, सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक बग्गी वाला आता है, और ये तो चल ठीक है, मैंने बग्गी वाले को मारने की ट्राई की, लेकिन पीछे वाले ने भाई दो तीन बुलेट मारा मेरे को कर दिया नोक। मुझे उस टाइम हैकर नहीं लगा था, क्योंकि मैं भाई किसी को जल्दी हैकर बोलता नहीं हूँ, लेकिन वो बंदा जब तक ड्रैगन लेके हमारे ऊपर कर रहा था पुश, अब पीछे वाला बंदा बोर्ड ऐसा था ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। अब यहाँ पे भाई मेरे टीममेट ने बोल दिया हैकर है, मैंने बोला यार हैकर कहाँ से हो सकता है, चलो भाई अब इसको ट्राई इसको चेक किया जाए कि भाई हैकर है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका प्रोफाइल खोलता हूँ और देखता हूँ कि भाई साहब मतलब कि 16 किल कर रखा बंदे ना भाई, मतलब हद हो गई, और 10 की KD है मतलब के भाई, ऐसे प्लेयर तो चाहिए भाई, हमारे को भी चाहिए ऐसे प्लेयर। अभी इस बंदे ने देखो यहाँ पे दो बंदे और निपटाता बहुत गलत तरीके से, इस बंदे के पास एम बोट नहीं था, क्योंकि आप लोग बोलोगे यार आपको कैसे पता, आप तो हैक वैक यूज़ नहीं करते, और इस दोनों बंदों को इस बंदे ने आराम से निपटा दिया भाई। इस बंदे के पास हैक था, सब कुछ था, ठीक है, लेकिन इस बंदे को खेलना नहीं आता था, क्योंकि भाई देखो कितना भी खाना वाना परोस के दे दो भाई, बंदे को अगर खाना नहीं आता तो कुछ भी नहीं कर सकता। वही होता है यहाँ पे सीन, देखो अपने टीममेट को भाई ऐसे जगह पे उतारा है कि इसका टीममेट भाई एकदम नोक हो गया। अभी अपने टीममेट को भाई इजीली फिनिश भी करवा देता, मतलब खुद ही फिनिश कर देता मोली से, ये मोली ऐसी जगह डालता है टकरा के पूरा बाहर की तरफ आ जाता है, और इसका टीममेट भाई निपट जाता है इसके मोली में ही। अब वो बंदा मतलब कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, तो वो जल्दी बच नहीं पाता है, लेकिन ये बंदा इतना गलत तरीके से हैक कर रखने के बाद भी मतलब कि बहुत गंदे तरीके से पिटा है यार, ये बंदे को खेलना तो बिल्कुल भी नहीं आता था। अब यहाँ पर दो बंदे बचे तो कुल मिला के जो क्लोज इन कर देते इसके ऊपर। अब ये बंदा ने इसको इतना गंदा रिफ्लेक्स है मारा, मैंने देखा भाई साहब हैक बंद करके यार तुम साला पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, क्यों हैक यूज़ कर रहे हो।
अभी इंडियन प्लेयर होता ना भाई, कुत्ता बना के मारता बंदों को, समझ लो। अभी यहाँ पे दूसरा मैच लगाते हैं हम लोग, मैंने देखा चलो भाई दूसरा मैच अच्छे से खेलेंगे, सर्वाइवल निकाले। और उस वो जो हैकर था ना, उसका भूत आज मेरे टीममेट के ऊपर आ गया था, मतलब प्रिंस भाई के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले एक बोट भाई साहब आते हैं जिसको मैं निपटा देता हूँ। निपटाने के बाद यहाँ पे ना दो बंदे गाड़ी लेके जा रहे थे यूएस लेके। अब इन दोनों बंदों के साथ इतना गंदा वाला सीन कर दिया ना प्रिंस भाई ने, वो देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बंदे लेफ्ट में मुड़े आते हैं। अब देखो एक बंदे को उतारा चलता भाई, लेकिन दोनों बंदों को उतार के उनका खतरनाक वाला माइनस लगवा दिया यार। मैंने चलो भाई अब इधर से निकलते रिकॉल लेने के लिए। हम लोग इधर से गाड़ी लेते हो, सामने की तरफ एक बंदा दिखता है जिसके ऊपर तुम्हारा भाई गाड़ी चढ़ा देता है, और दूसरा वाला बंदा राइट की तरफ रहता है, मतलब वेयर हाउस की तरफ। तो अब उसको भी बजाने की फुल एकदम ट्राई करेंगे कि भाई हम भाई मतलब ट्राई क्या करना, मारना ही उसको। क्योंकि अब देखो हमारे पास भी रिकॉल नहीं था, और वो बंदे लोग के पास मेरे को ऐसे लग नहीं रहा था कि रिकॉल होगा। तो देखो अभी इन बंदे का मतलब माइनस लगने वाला, पहला वाला बंदा तो वैसे ही नोकता, दूसरा वाला वेयर हाउस के बाहर रहता है। तो एक दो बुलेट मैं मार देता हूँ उसको M16 की, और M16 ऑटो पे चलती है, लेकिन पता नहीं कुछ लगाना वगाना पड़ता है यार। तो मैं SKS लेता हूँ और इस बंदे को ऊपर कर देता हूँ पुश, और मैं सोलो था इसलिए मेरी फट रही थी। तो मैं अपने टीममेट को जल्दी से बुलाता हूँ जब तक ये बंदे मेरे ऊपर चढ़ जाता है, और SKS के सामने ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, और इस बंदे को मैं कर देता हूँ फिनिश। अब इन बंदों को माइनस वाइनस लगाने के बाद हम लोग इधर से गाड़ी लेते हैं, सीधा जोन के लिए रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इन बंदों ने जो इस टेंपल को खाली किया था उनके पास होता है डायनासोर, जो हमारे को भाई इतना गंदे तरीके से भगा भगा के मारने वाले कुत्ता बना देंगे मेरे को, मतलब। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई यहाँ पे घर पे रोक लो, लेकिन अगर मेरे टीममेट को पता नहीं रहता कि बंदे लोग डायनासोर लगा दिए पीछे, अगर घर के पास रोक देता ना भाई तो इजीली इनका क्रियाक्रम कर रहे थे, और गाड़ी में फ्यूल भी नहीं था और गाड़ी का टायर भी फूट गया। अब यहाँ पे सीन ऐसा था कि भाई देखो ये बंदा मतलब डायनासोर गाड़ी में टच हो गया तब भी मैं मारूंगा, मेरे में टच हो गया तो भाई मैं तो नोक हूँ। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा फट रही थी, मैंने देखा चलो भाई मेरा तो बचना इम्पॉसिबल सा हो गया है। अब यहाँ पे बंदे लोग के पास MK MG MG सब था, तभी यहाँ पे मैं नोक खा जाता हूँ गाड़ी के वजह से। अब मेरे टीममेट तो अच्छा खासा खेला, अगर गन होती है ना मिनी की जगह पे कोई ऑटो गन तो आराम से इजीली यहाँ पे 1v2 निकाल देता है मेरे टीममेट। अब यहाँ पे दो बंदे रहते हैं मेरे टीममेट के ऊपर, दोनों कूद जाते क्योंकि यार सोलो के ऊपर दो तो ऐसे आराम से, अगर घर पे रुक जाते हैं तो भाई इजीली इनका क्रियाक्रम कर देता। पहले वाले को अच्छा नॉक किया मेरे टीममेट ने, लेकिन भाई रिलोड आ गई थी शॉटगन, अगर गन रिलोड हो जाती है तो उसको भी निपटा लेता मेरे टीममेट। उसके बाद यहाँ पे रिकॉल होने के बाद मैंने देखा चलो भाई अब आराम से खेलेंगे इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग इधर नॉक कूदते हैं, नॉक कूदने के बाद थोड़ी सी रूट करते हैं, उसके बाद मोस्टर ट्रक लेने के बाद सीधे हम लोग जोन के लिए निकल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, दो दो बंदे किसी और को मार के इधर लूटम लाटी कर रहे थे। सबसे पहले एक बंदे के ऊपर मोस्टर ट्रक चढ़ा देता हूँ, मतलब चढ़ाने के बाद इधर हम लोग रुक जाते हैं। अब वो बंदा पूरा स्मोक स्मोक करके आराम से अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव कर देता, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। मेरे टीममेट का ग्रेनेड, आपको पता है मेरे ग्रेनेड एक बार के लिए फूटे नहीं, लेकिन मेरे टीममेट का ग्रेनेड हमेशा फूटता भाई। यहाँ पे दूसरा वाला ग्रेनेड जाता और वो बंदा हो जाता बूम, जो अभी रिवाइव को उठाता, और दूसरा वाला बंदा क्या करता खुले में जाके घास में लेट जाता, जैसे भाई हमारे को तो दिखता ही नहीं है। अब उस बंदे को निपटा देते हैं। यहाँ पे एकदम मैच सही चल रहा था, एकदम मैंने देखा यार चलो थोड़ी सी लूट वूट कर लिया जाए। अब तभी यहाँ पे एक बंदा बग्गी लेके आ जाता है मेरे मुंह के पास से, चढ़ाने की ट्राई करता है। अब ये बंदे ना मतलब बहुत ज़्यादा मैं मारने की ट्राई करता हूँ इस बंदे को, ये सामने की तरफ रुक जाता है। अब मैं इसकी गाड़ी वाड़ी सब फोड़ देता हूँ, लेकिन इस बंदे की किस्मत ख़राब थी, इसका तो भाई मौत मेरे हाथ से लिखा हुआ था। अब यहाँ पे मेरा टीममेट भाई पीछे फाइट ले रहा था और मैं आगे फाइट ले रहा था, वो भी पीछे क्लियर कर दिया था। अब बंदे कुल मिला के 5 बंदे बचे हुए थे, मतलब 3 बंदे थे। अब सामने तरफ ये जो बंदा रहता है इसको पता नहीं रहता कि मैं अभी भी इसी पत्थर पे हूँ, तो ये नीड वेट कर रहा था मेरे टीममेट के ऊपर। तो देखो चलो भाई साहब, अब यहाँ पे कुल मिला के 4 बंदे बचे हुए थे, अब इन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। अब मैंने देखा था दोनों बंदे दो डुओ होंगे तो आराम से निपटा देंगे, लेकिन वो बंदे सोलो सोलो रहते हैं, जिसमें से एक बंदे को एक बंदे ने मार दिया। अब यहाँ पे लास्ट वाला बंदा बचा हुआ था, तो हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं और उस बंदे को ढूंढते, तभी वो बंदा सामने की तरफ मेरे को दिख जाता गाड़ी में, मतलब गेट इन वेट इन करता हुआ। तो वो बंदा कुछ ज़्यादा कुछ कर तो नहीं पाता, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाता। मैं देखता हूँ यार गाड़ी में बैठे और मैं मारूँ, और मैं मारता भी हूँ, अच्छा खासा डैमेज था, लेकिन मेरे टीममेट का स्प्रे जाता प्रिंस भाई को और बंदे का हो जाता क्रियाक्रम, और इसके साथ हो जाता भाई ये वाला मैच भी एकदम इजीली चिकन डिनर। हाँ भले 5 किल थे, लेकिन हाँ चिकन डिनर तो था भाई। और पिछले वाले मैच में हैकर आ गया था, जो भाई हमारा गेम प्ले बिल्कुल एकदम खराब कर दिया था, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन ने दूसरा गेम प्ले में उसको रिकवर किया और अच्छे से चिकन डिनर निकाला। और ये क्या मेरे टीममेट तो डांस कर रहा अकेला अकेला, क्यों ना भाई अपन भी करा जाए तो हो जाए डमका, मतलब जो भी खाना वाना क्या ही बोलना। देखो आज तो यही कुछ मैच था, अगर हैकर वैकर नहीं आता मेरे टीममेट ने भाई हैकर
टक्करों की तरह दो बंदों को जो उतारा था गाड़ी से, वो सीन तो भाई एकदम खतरनाक है, वो तो भाई मेरा फेवरेट सीन है। आपका फेवरेट सीन भी भाई कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करो, ठीक है? मैं डेली पढ़ता हूँ कमेंट, और तुम्हारे भाई को सपोर्ट वोट करो, और फटाफट से 2K तक अपन को सब्सक्राइबर कराओ फटाफट से। यार क्या ही कर रहे हो यार तुम लोग, यार बहुत दिन हो गए बोले हुए, तो जल्दी से करवा दो। तो यही था आज का गेम प्ले, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसे कमेंट कर देना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते कल शाम 7 बजे एक और न्यू गेम प्ले के साथ, धमाकेदार गेम प्ले के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो। लव यू, टेक केयर, शुड ड्रीम, गुड नाइट एंड बाय। इधर आ, कहाँ जा रहा? चैनल को सब्सक्राइब करके जा।